हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अगेन बात करें इंटेलिजेंस टेस्ट की, जो कि नॉन वर्बल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सम ऐसे हैं जो बीच में रिपीटेड होते हैं एयरफोर्स नेवी दोनों के वाले से। और हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट है, यहाँ से मैं पेन उठाता हूँ यहाँ से और इसमें मज़ीद जूम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी रीड न्यूज़पेपर बिकॉज वी सेंड आवर चिल्ड्रन स्कूल। ठीक है, ये क्वेश्चन दो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इट इज़ गुड हाउ बी वन लर्न हाउ टू लीड दिस गिव अस इंफॉर्मेशन या नॉलेज। ठीक है, राइट आंसर इज दिस वन। आंसर लगे में बदकिस्मत ये ले आई है, लेकिन इसमें यह है कि आप क्लियर हो जाएगा। वे स्टेटमेंट इज करेक्ट, सन इज़ ऑलवेज बेटर एजुकेशन दैन हिज फादर। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, अदब के खिलाफ है। A son is always healthier than his father. A son is always younger than his father. ये करेक्ट है, सन हमेशा फादर से नौजवान होता है। If clock goes faster than clock B and C keep time with clock A, then C faster than B. देखो आंसर लगा डायरेक्ट बंदा इधर फोकस कर लेता, बट ये गलत चीज़ है। बट कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। 2:5 एंड k इज़ 2। देखो 2 से 5 इसने कैसे कर दिया, 3 और 4 को छोड़ दिया, 2 छोड़ दिए। k के बाद क्या होता है, के एल एम दो छोड़ेंगे तो राइट आंसर इज एन। 5, पेरेंट्स गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन बिकॉज चिल्ड्रन वांट इट। नहीं, कौन इतनी शौक से पढ़ता है, इट इज़ कस्टम। और नहीं, ये रवाज भी नहीं है। इट गिव देम बेटर चांस इन लाइफ। येस ऑफ कोर्स, आप पढ़ लिख के अभी आप ये टेस्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का, तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चांस है, आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, सन वेस्ट इट्स डिफरेंट, कौन सा ईस्ट वेस्ट इनमें से ये डिफरेंट है, बाकी ये कुछ मुख्तलिफ हैं। ठीक है, द टाइम इज़ टू इमिट EMIT। अच्छा, इसको रीअरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग कर दिया, 4 है तो लास्ट पे आ गया। ठीक है, इस तरह से ये कंसेप्ट पिछली वीडियोज हमने किए, अगर आप देख लें तो। विच स्टेटमेंट इज द टू करेक्ट, 2 इज इक्वल टू द डिफरेंट बिटवीन 3 एंड 4, 2 इज लेस देन द डिफरेंट बिटवीन 3 एंड 4, 2 इज ग्रेटर देन द डिफरेंट बिटवीन 3 एंड 4, 2 इज लेस देन ग्रेटर देन, ये तो है ही गलत। ठीक है, राइट आंसर इसमें सी बनता है, बाकी कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा किस तरह बन रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट हाउस, रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट, हाउस, इनमें बाकी डिफरेंट है। STUN, स्टन इज टू नट्स एज स्पोर्ट्स इज टू स्टॉप। अच्छा, इनको वही असेंडिंग डिसेंडिंग कर रहा है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। According to the word flower, which one of the following is true? 0 comes after L, so O comes, sorry, and E comes before R and W, L comes after E and F, W is middle, then ये वाला right answer है। ठीक है, ये इनकी series की बात कर रहा है। EF is to DG, JK is to, देखो E F डी के बाद ई आता है। ठीक है, और एफ जी यहाँ पे आता है। ठीक है, और आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जी होता है, ये राइट आंसर बन गया। ठीक है, इफ़ मैन गोज 10 yards टू द नॉर्थ, देन 10 yards टू ईस्ट, 10 yards साउथ एंड 10 yards वेस्ट, देन ही साउथ ऑफ द स्टार्टिंग लास्ट पे जब गया बैक इज स्टार्टिंग प्लेस। ऑफकोर्स जब यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, अभी उसे अगेन उसे यहाँ पे आना है। ठीक है, क्योंकि वो चारों साइडें घूम रहा है इस तरह। देखो यहाँ पे आया, 10 10 यहाँ पे आया, 10 यहाँ पे आया और 10 यहाँ पर आया, यहाँ पर वहीं पर आ गया जैसे उसने स्टार्ट किया था। राइट आंसर इज दिस वन, कंसेप्ट क्लियर हो गया इसका। देन 14, व्हाट नंबर्स व्हेन टेक अवे फ्रॉम 12 गिव्स 3 लेस देन 1/3 ऑफ 26। ये लंबी कैलकुलेशन है मैथ की। इवन इज टू अनइवन, वॉलेशन, वॉलेट इज टू फ्रेंडली, इसका अपोजिट की बात कर रहा है। बर्ड्स इज टू कैच एज प्रिजनर इज टू सेल, राइट। इफ ही इज टॉलर देन डी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूज करता है कम आप रहा कि आंसर वही होता है जो क्वेश्चन होता है। सी इज शॉर्टर देन ए, बी इज टॉलर देन डी, देन डी, डी क्या है, सी इज शॉर्टर देन डी। ठीक है, अब मिस्टेक ये आंसर लगे हैं, वरना आपको मैं क्लियर करवा दूँ।
वन ओवर थ्री इज टू नाइन एज वन ओवर टू इज टू फोर, ठीक है, तीन तीन बार नौ ले लो और दो दो बार चार ले लो, एक एक ऐसे ही होता है, कैल्शियम ले लो। स्फीयर इज टू सर्कल देन क्यूब इज टू, क्यूब स्क्वायर होता है। If L is to 1, T is to 2, E is to 3, 4, R is to 4, then letter, letter के क्या होगा जी आगे फिर? So 2 or 4, 1 or 2, और इनका LCM ले रहे 3 or 4 याद है, ठीक है? Which of the following is P but not A, has E but not D, we pocket, यार confuse करते हैं ये कुछ। What number can add to 14 gives 20 less 30? 24, people smoke because they get प्लेयर फ्रॉम हिट, उन्हें यहाँ से खुशी मिलती है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पीपल बाय अ कार बिकॉज दे डू नॉट वांट टू वॉक ऑन फुट, दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी सो दैट दे रीच प्लेस क्विकली, यस ऑफ कोर्स। आपने वो क्वेश्चन देखना जो पॉजिटिव की बात कर रहा, 93 इज टू 9, 63 इज टू 9 एंड 71 इज टू, देखो 7 नवंबर 63 होता है, ठीक है, और 71 की बात करता है तो 8 बार होता है, ठीक है। 4 is to 11, 4 is to 11 एस, 3 is to 10, 4 11, 4 और 3 is to 10, 7 ऐड कर रहा है, ठीक है। कंपेयर इज टू, इसका कोड बताओ जी, ओ पी, इसका कोड वही जो जैसे सी या सी का है हमारे पास 7, ठीक है। अगर पिछली वीडियोस देखें तो आपको ये क्लियर होगा, वरना अगेन मैं बता देता हूँ। ओ हमारे पास क्या है जी, ओ है हमारे पास 3, ठीक है। इसी तरह से हमने ओ देखना है, ओ 3 है, राइट आंसर समझ गए होंगे आप। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन सी, देन सी व्हाट, ए इज ग्रेटर देन सी, अच्छा जी डी है जी। इफ इफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ साइज व्हाट विल कम इन द मिडल पैराग्राफ, आंसर लगे मेरा यही मसला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, नोज कोल्ड, लोन, नोज मून, ये चीज ऑर्डर। यू शुड नॉट टेल अ ली बिकॉज इट इज अ बैड टू डू सो, ये एक बुरी आदत है, ठीक है। What letter comes next in the following series? ये सीरीज आ रही है, इसमें आगे जो क्वेश्चन आएगा वो J और Q होगा, यहाँ से 2 हैं, 4 हैं, 6, 8 इस तरह ले ली, ठीक है। अच्छा, which one is the following from different from rest, teacher, patient, liar, doctor, medicine? ये ऑफ कोर्स ये सारे जो है ना ये पोस्ट्स हैं, ओहदे हैं, और ये मेडिसिन एक दवा है। Which one of the following is different from rest, lion, wolf, cat, bot, bot कश्ती होती है, tiger, बाकी सारे जानवर। Green grass, Kaleen is to crystal. So 11, ये तो सर आंसर आता है, 11, 17, 23, 29, 6, यहाँ पर करके 6, और यहाँ पर कितना होगा जी, अगेन 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता 35, 23 और 19, 15, मतलब यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर भी 4, ठीक है, 4 माइनस हो गए, 6 ओवर 11, मतलब ये देखो 6, 5, 4, 3, 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो 11, 10, 9, 8, 7, मतलब 2 ओवर 7 राइट आंसर। अच्छा, 1 ओवर 3, 5, 1 ओवर 7, 9, 1 ओवर 11, 13, और यहाँ पे अगला ऑर्ड क्या होता है, 1 over 15 आएगा, यस। 8 4 16 और 8 64 आगे आएगा, 4 8 12 आएगा, 32, यस। 3 5 3 over 5, 7 11, 7 over 11, 9 6, 9 over 6, ठीक है, बीच में ओवर का निशान दे रहा है। अच्छा, 2 31 3 52, मतलब डबल कर रहा है, एडिंग कर रहा है, तो ये आंसर आ रहा है। अच्छा अगेन यहाँ पर 93 73, 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस करो, ये 13 आता है। 1 over 2 ए बी, 3 सी, 4 5 डी ई, 6 एफ आ जाएगा, किस तरह से आता देख लेना, कंसेप्चुअल है सारी चीज़ें। 50 है 50, क्वेश्चन नंबर 34 64, मतलब यहाँ पर ऐड हो रहा है जी 11, इस तरह से करते करते 58। अच्छा, 6 6 6 36, 9 6 3 36, 3 1 31, ऐसे से रेंज रेंज कर रहा है, मतलब 3 और 6, 3 लिख दिया 6 लिख दिया, 3 1 इस तरह सीधा लिख दिया 31,
और 72 है, दो पैर